माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी और नेतागण, सारे हमारे गुजरात के भाइयों और दूर दूर से आए हुए लोग, हम लोग बिहार से नरेंद्र भाई को शुभकामना देने हम लोग यहाँ आए हैं। सद्भावना मिशन का मतलब ही है कि आपस में भाईचारा हो और सबका विकास हो, सब आपस में मिल के रहें, यही तो सद्भावना मिशन है। बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ की सद्भावना की शुरुआतें वहीं से हुई। भगवान महावीर ने किया, भगवान बुद्ध ने किया, अशोक ने किया और बाद में यहाँ से जाकर महात्मा गांधी ने भी वहाँ पर सद्भावना फैलाई या जिसके चलते देश आज़ाद हुआ। गुजरात के हम लोग सब लोग ऋणी हैं क्योंकि जिसके चलते हम लोग आज़ाद हुए। नरेंद्र भाई को मैंने देखा है कि विज्ञान में जो विकास होता है उस वैज्ञानिक तरीका से गुजरात का विकास उन्होंने कराया है और गुजरात काफ़ी विकास किया है और इसीलिए दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। अमेरिका ने किया, सभी देश के लोग कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उनका देखा देखिए अब दूसरा राज भी करेगा और इस तरह से सारा हिंदुस्तान जो है एक आर्थिक शक्ति बन के उभरेगा। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। हाल में एक बार हम लोगों के बीजेपी शासित राज्य का बैठक हुआ था, उसमें अपने राज्य के विकास करने में क्या क्या उन्होंने नया नया चीज़ों का लगाया है। उनका कहना था उस दिन कि हम अपने हर एक गांव के लोगों से बात कर सकते हैं, हर एक जो डीएम है उसे चार घंटे में पूरे गुजरात के लोगों डीएम से बात कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक जो मेथड सब है उसको उन्होंने लगाया है और ये सद्भावना मिशन ये दर्शाता है कि इतने लोग, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि इतने लोग नरेंद्र भाई को शुभकामना देने आए हैं और हम लोग भी बड़ी तादाद में, हमारे मंत्रीगण आए हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं, हमारे यहाँ के एमपी हैं, सारे लोग हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं नरेंद्र भाई को शुभकामना देने के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आयु लंबी हो और लंबी आयु तक देश की सेवा करें और उनको सेवा करने का जो तरीका है वो और लोग पर भी उसका असर पड़े और देश आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद।